नमस्कार फ्रेंड्स, वीजा टू एक्सप्लोर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट हरीश बाली। इस समय हम मैंगलोर सेंट्रल रेलवे स्टेशन के बाहर खड़े हैं। आज हम जा रहे हैं अभी धर्मस्थला। यहां से धर्मस्थला 75 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। नॉनस्टॉप जाएंगे तो पहुंचने में हमें 2 घंटे लगेंगे। चलिए चलते हैं। आपको मैं मिस्टर हरीश भाई से इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। नमस्कार। नमस्कार सर, मैंगलोर के लिए आप स्वागत है सर। धन्यवाद। प्रोफेशनल टूर गाइड है। आज हमारे साथ ये धर्मस्थला चल रहे हैं, कल हम वहाँ से यहाँ वापस लौट कर आएंगे, तो ये हमें ये यात्रा करवाएंगे। अगर आप यहाँ से बस पे जाना चाहते हैं, 73 रुपीज किराया और समय 2 से 2.25 घंटा लगेगा। मैंगलोर से लगभग 30 किलोमीटर हम बाहर की ओर आ चुके हैं। इस समय जहाँ पर हम खड़े हैं, मुझे हरीश ने बताया, इसको नरहरी पर्वत बोलते हैं। एक हिस्टोरिकल प्लेस है। पैदल के जाइए सर। सीढ़ी से? सीढ़ी से, हाँ सर। महाभारत युद्ध के बाद पाप विमोचन के लिए पांडवों और कृष्ण इधर आके तालाब बना के उसमें स्नान करके सदाशिव जी का पूजा किया था। कुछ लोग अस्थमा है तो इधर भगवान का शंकर का प्रार्थना करना, प्रार्थना करने के बाद उसका अस्थमा खत्म हो जाएगा, उसके बाद ये रस्सी देने का ये मन्नत है यहाँ का। अच्छा, रस्सी यहाँ का मन्नत है। रस्सी हाँ, आप एक तरह से चढ़ाते हो? हाँ सर। अरे ये चक्र तीर्थ है, ये शंख तीर्थ है, शंख का आकार में है। 80 फीट उसका डेप्थ है सर। अच्छा, इतना गहरा है? हाँ सर। ओके। वैसे इस समय हम पहाड़ के ऊपर हैं। यहाँ से खड़े होके ना दूर दूर तक हमें पहाड़ भी दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारी ग्रीनरी है यहाँ पे, ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। इस समय सुबह के 10 बज चुके हैं। मुझे ऐसा लग रहा है अगर यहाँ पे सुबह 6:30 या 7 o'clock आ जाए तो मतलब ऐसी लोकेशन नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी। एक लड़का है, इसका फेमस है केटी। केटी होटल? हाँ सर, केटी होटल। कलर का टी। हम बहुत दूर से यहाँ की फेमस टी पीने आए हैं। वेलकम। थैंक यू। तो हम देखना चाहते हैं चाय कैसे बनता है, फिर हम यहाँ पर बैठ के पी लेंगे। देखिए ऐसे डेकोरेशन लिया, वो हमने वो पाउडर है ना, पाउडर को पानी में डालकर उबलता नहीं है, वो जस्ट गर्म पानी पर वो पाउडर डालता है। पाउडर मतलब टी पाउडर? हाँ, टी पाउडर। तो अगर हम स्पून से इसको मिक्स नहीं करेंगे शाम तक ऐसा ही रहेगा। एक कलर का स्पेशल है सर। अच्छा, मिक्स अपने आप नहीं होगा? नहीं, नहीं। ये चाय इतनी फेमस है कि इस रीजन में आप किसी को भी बोलो कि केटी होटल तो सब लोग जानते हैं। हमको चाय पीने के लिए मिक्स करना चाहिए। हाँ सर। सिर्फ आपने हॉट वाटर पास किया तो टेस्ट एकदम चेंज है, और उसके बावजूद चाय कड़क है। यही स्पेशलिटी है ना मैम। जैसे ये टी फेमस है यहाँ की, हमको बहुत पसंद आई, ऐसे यहाँ पर कोई लोकल फूड आइटम है? कटले बजील, सच्ची के बजील, पतिंग के बजील और कुंडी के सर। तो आप हमें कोई एक एक चीज सजेस्ट कर। कुंडी गस्सी बहुत अच्छा है। कुंडी गस्सी,
तो ये कर्नाटका की फेमस फूड आइटम, फेमस फूड आइटम दक्षिण कन्नड़ के, वो भी कर्नाटका में भी दक्षिण कन्नड़ में। जैसे इडली बनाने के लिए राइस और दाल मिक्स करते हैं फिर स्टीम करते हैं, इसमें दाल नहीं है? नहीं नहीं, तो राइस राइस बॉल्स बनाया, राइस बॉल बना के उसको बॉल टाइप करके स्टीम किया, स्टीम करते हैं और उसके ऊपर गस्सी मतलब मसाला, हाँ मसाला। इसमें जो आपका मसाला है ना बहुत ऑसम है, बहुत ऑसम है, माइल्ड फ्लेवर है, सरसों का, कोकोनट का, कोकोनट ऑयल का, सब कुछ माइल्ड है और ये मिक्सिंग है ना ऑसम। कुंडी गस्सी का तो मैं फैन हो गया हूँ। चना और पोहा मिक्स करेंगे। वैसे ना पोहा भी हमने बहुत खाया है, बहुत सारा खाया पोहा, इतने हमारे घर में पोहा बनता है, लेकिन कभी सोचा नहीं कि चना और पोहा भी मिक्स हो सकता है। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि पोहा और चना इतना ऑसम कॉम्बिनेशन दे सकता है। तो आपने मसाला बनाया, उसमें पोहा ऊपर से ऐड कर दिया और मिक्स कर, और थोड़ा थोड़ा मीठा भी है ये चीनी, बहुत ऑसम है। एक चीज और है इसमें, ये हमें ना लाल मिर्च दिखाई दे रही है, पूरा साबुत साबुत लाल मिर्च, लेकिन इसका मिर्ची नहीं है, इसका फ्लेवर है। कर्नाटका में हमने सुना एक आयुर्वेदिक ड्रिंक होती है कशाया, क्या कशाया कहते हैं? कशाया वो मिलता है आपके पास? मुझे एक चीज अभी इन्होंने इंटरेस्टिंग बताई है कि आप किसी भी उडुपी होटल में ऑल इंडिया कहीं पे भी जाओ और बोलो कशाया तो वो आपको देंगे। अच्छा, आपको दिखाने के लिए हमने ना कशाया पाउडर मंगवा लिया इस कटोरी में है, तो पहले मैं थोड़ा पाउडर टेस्ट कर लेता। अच्छा। जैसे जीरा, धनिया, हल्का ब्लैक पेपर। दूसरा बात ये, ये कौन सा ब्रांड है? मधु, मधु जीरा पाउडर। हाँ, मधु का कशाया पाउडर। वो तो आप इसमें ब्लैक पेपर ऐड करते हैं और ऊपर से मिल्क ऐड करते हैं, तो कशाया को हम गर्म पानी में मिक्स करके नहीं पी सकते, तो आप हॉट मिल्क में इसको ऐड करो। लवली, कोरोना को फाइट करने के लिए अच्छा है। मुझे ऐसा लग रहा है कशाया पीने से ना आयुर्वेदिक बेनिफिट तो है ही है, हेल्थ बेनिफिट तो है ही है, उसके साथ साथ एक ना सेटिस्फेक्शन मिल रही है। मतलब अभी आप इसके बाद मैं कुछ भी खाना नहीं चाहता, ऐसा लग रहा है कि बस मजा आ गया। मतलब हेल्थ का हेल्थ और टेस्ट का टेस्ट। तो मैम ये पैकेट मार्केट में इजीली मिलता है, 105 रुपीज फॉर हाफ केजी, हाफ केजी। नीर कर ले। अच्छा रहा हमारा यहाँ पर आना, मजा आ गया। वाह, बड़ा प्यारा माहौल है। कौन सी नदी है ये? कपिला सर। अच्छा, हाँ सर। और इतनी मच्छी? इतना ही नहीं, इसका बहुत ज्यादा है, उधर जाएगा तो बहुत ज्यादा है। वाह, हमें यहाँ पर पहुँचने में 1.5 घंटा लगा है। कितना शांत पानी है। हाँ सर। और ये हैंगिंग ब्रिज, ऊपर ऊपर हैंगिंग ब्रिज है, वो रास्ते में आने का जाने का। अच्छा, गाड़ी गाड़ी चला जाता है इस पे। जाता है। इस समय दोपहर के 2 बज चुके हैं, 12:30 बजे ये मंदिर क्लोज हो जाता है। कुछ इस स्थान के बारे में बताइए। आगे दिखता है कुमारगिरी पहाड़, उसका ऊपर शिवजी का मंदिर था
पुजारी ने क्या किया, भगवान के पास पूछा, मेरा उम्र बढ़ गया है, इतना ऊपर चढ़ नहीं सकता, आप नीचे आएगा तो मैं आपका अभिषेक कर सकता है करके। भगवान ने ये पत्थर का रूप में नीचे आ गया है, इसका नाम है, ये गांव का नाम है श्री शिला, ये पत्थर का नाम श्री शिला, अभी वो शिशिला हो गया, समय के साथ शिशिला हो गया। और एक विशेष है, कपिल महर्षि ने यहाँ तपस्या किया है, इसका नदी का नाम कपिला नदी हो गया है, उन्हीं के नाम से नदी का नाम नदी। तो कितने साल पुराना ये? लगभग 800 साल पहला है, इधर हिस्ट्री लिखा दिया है कन्नड़ में। बहुत शांत वातावरण है यहाँ पर, शांत वातावरण है, नदी का भी धीमे धीमे फ्लो है, कोई बहुत तेज नहीं है, अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर। ये कपिला नदी है, ये मच्छी का नाम है महाशीर, महाशीर। तो ये एक ही जाति का मच्छी है? एक ही जाति का मच्छी है, 4 किलोमीटर में 1,00,000 के ऊपर मच्छी है। अब देखो हम यहाँ पर खड़े हुए हैं और मुझे लगता है 1-2 हजार मच्छी तो यहीं पे होगा। हाँ सर, है ना, शायद। तो ये थोड़ा हमने मुरमुरा लिया, ये आप चावल खिला सकते हो, तो थोड़ा आप ले लीजिए। आप ये मच्छी का जगड़ा देख लीजिए सर। ओहो, इधर छोटा वाला है सर, छोटा वाला। बहुत खूबसूरत, ये आपके ऊपर है, आप यहां पर खड़े होके इस नजारे को कितना देर देखना चाहते हैं, 1/2 घंटा 1 घंटा 4 घंटा, आप पे निर्भर करता है। देखो हम इस हाइट से देख रहे हैं तो भी हम नीचे तक देख पा रहे हैं क्योंकि नदी का पानी बहुत साफ है। महाशीर जो मच्छी है आप देखिए कितनी है, जैसे इन्होंने बताया कि 1,00,000 से ज्यादा है इस 4 किलोमीटर, इस 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। अति उत्तम। और इस तरफ देखो, यहाँ भी बहुत अच्छा लग रहा है। अभी पानी कम है मगर पानी ज्यादा है तो भी नीचे देख सकता है, इतना साफ पानी है इधर। मैं सामने बोर्ड पे इंफॉर्मेशन पढ़ रहा था तो वहां लिखा हुआ है कि अगर आपको किसी भी तरह की स्किन डिजीज है तो लोग इस भक्ति भाव से आते हैं यहाँ पर दर्शन करने, तो स्किन डिजीज उनकी दूर हो जाती है, फिर वो जैसे ये मुरमुरे जो है ये मच्छी को खिलाते हैं। यहाँ पर आगे तो मजा आ गया। हाँ सर, बहुत अच्छा। अब कहाँ जाएंगे? अब यहाँ से 16 किलोमीटर दूर है सौतड़ का गणपति मंदिर, उधर जाएंगे। 16 किलोमीटर? हाँ सर, ठीक है। हम अभी सौतड़का पहुंच गए, इधर भगवान गणपति ओपन ग्राउंड में रहता है, यानी गर्भगृह नहीं है। नहीं है सर, नहीं है सर। चलिए, अभी मैंने और हरीश जी ने पंडित जी से डिटेल में समझा, इस स्थान में भगवान गणपति कब से विराजमान है इसकी जानकारी किसी को भी नहीं है। कहते हैं हजारों साल से भगवान गणपति यहाँ पर श्रद्धालुओं को ओपन में दर्शन दे रहे हैं, यहाँ पर कोई गर्भगृह नहीं है, आप 24 घंटे में कभी भी यहाँ पर आके भगवान गणपति के दर्शन कर सकते हैं। कहते हैं यहाँ पर लोकल फार्मर को भगवान गणपति ने दर्शन दिए थे और कहा था कि अगर आप यहाँ पर इस स्थान पर मंदिर बनाएंगे तो वो मंदिर का जो शिखर है वो इतना ऊंचा होना चाहिए कि काशी विश्वनाथ से शिखर दिख सके, और मंदिर सिर्फ 1 दिन में तैयार होना चाहिए, ये हमें बात पंडित जी ने बताई, जो प्रैक्टिकली
पॉसिबल नहीं है। तो ये कारण की वजह से आज तक कभी यहाँ पर गर्भगृह नहीं बना। श्रद्धालु यहाँ पर दूर दूर से आते हैं। प्रसाद यहाँ पर प्राप्त करने के लिए हमने सेवा काउंटर से 70 रुपए की पर्ची निकलवाई। अवलकी पंच कजाया हमें प्रसाद में मिला। अवलकी मतलब पोहा, पोहा घी गुड़ मिला के इस प्रसाद को तैयार किया जाता है। इस स्थान का नाम है साउथे अड़का। साउथे अड़का का लिटरल मीनिंग है क्यूकुम्बर फील्ड। खीरे की यहाँ पहले भी खेती होती थी और आज भी खेती होती है। अड़का मतलब फील्ड, फार्म। यहाँ पर आके हमको बहुत अच्छा लगा। हमने भगवान गणपति के दर्शन कर लिए। अब हम यहाँ से धर्मस्थला के लिए निकल रहे हैं। धर्मस्थला यहाँ से केवल 16 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। यहाँ पर रिचुअल ये है कि मंदिर जाने से पहले नेत्रावती नदी में स्नान करते हैं, फिर टेंपल को जाते हैं। तो मैं स्नान करके वापस आता हूँ और आपको कुछ देर में टेंपल पहुँच के ज्वाइन करता हूँ। शाम को 5:30 बजे हम यहाँ पर पहुँचे। सबसे पहले हम मंदिर में गए, हमने भगवान शिव के दर्शन करे और उनके गण श्री अनप्पा स्वामी और 4 धर्म देवता। चांस की बात ऐसी थी कि हम मंदिर परिसर में ही थे तो आरती स्टार्ट हो गई। हम आरती का हिस्सा भी बने, हमें बहुत अच्छा लगा। आपकी जानकारी के लिए जब आप यहाँ पर आएंगे तो आपको इस प्रकार धोती पहन के आना होता है, मैं मेल्स की बात कर रहा हूँ, और आप उसके बाद भगवान के दर्शन करने अंदर जाते हैं। भगवान मंजूनाथ स्वामी के दर्शन कर लेने के बाद हमें श्री वीरेंद्र हेगड़े जी को मिलने का मौका मिला, जो कि इस इंस्टीट्यूशन के हेड हैं, धर्माधिकारी। हमने इस इंस्टीट्यूशन के बारे में जो उनसे जाना वो अब आप देखेंगे। आप अभी धर्मस्थल क्षेत्र में है। धर्मस्थल क्षेत्र की विशेषता है कि इधर शिवलिंग है, शिवलिंग मंजूनाथ स्वामी कहते हैं उसको। तो ये भगवान मंजूनाथ स्वामी का क्षेत्र है। इधर वचन के ऊपर ज़्यादा जोर है, जैसे कोई बात करने से पहले सोच के बात करना है। वो गलत बात किया तो वो बात सच्चा नहीं निकलेगा। इसलिए कोई आदमी भगवान के नाम पे कुछ किया तो वो ऐसे ही करना पड़ेगा, नहीं तो उनको शिक्षा मिलेगी। ये क्षेत्र की विशेषता है। कन्नड़ में कहते हैं माँ तो बेड़ा मंजूनाथ, जो मुँह से कहा उसे निभाओ, ऐसा। और लोग आते इधर विशेष पूजा के लिए आते हैं, भक्ति लोग, बहुत बड़ा भक्त लोग का हमारी शिष्य लोग है, भक्त लोग है। तीसरा धर्म में, धर्म की भावना में, धर्म में अनेक रीति का दान धर्म जो होते हैं। पहले है अन्नदान, जो भी मंदिर आते हैं उसको अन्नदान की सुविधा है। तो अच्छा एक भोजनशाला है जहाँ लोग आके बैठ के सब साथ बैठ के आहार ले सकता। विद्यादान, विद्यादान के लिए भी अनेक स्कूल्स, कॉलेजेस, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस ऐसे चलते रहते हैं इधर। तीसरा मेडिकल, मेडिकल भी, मेडिकल यूनिवर्सिटी है मंदिर का, श्री धर्मस्थला मंजूनाथेश्वरा मेडिकल यूनिवर्सिटी है। और अन्य 3 इंजीनियरिंग कॉलेजेस, सब लोग आयुर्वेदा कॉलेजेस सब चलते रहते हैं। और इधर अभयदान की बहुत विशेषता है। अभयदान मैंने न्यायदान, न्यायदान कोई आए तो उनकी बात सुन के उनकी कुछ आपस में न्याय है तो उस हल करना, ऐसे कुछ प्रॉब्लम है तो वो भगवान को रेफर करते हैं। जैसे भगवान मंजूनाथ स्वामी, ये देखो जस्टिस दिलाना, जस्टिस दिलाना। तो लास्टली कई दान, दान मैंने अभयदान, अभयदान मैंने जो आदमी डर के आता है, बहुत समस्या में आता है, उसको हल करना हमारी मेन काम है। तो बहुत रूप का दान धर्म इधर होता है। हर रोज सबको विद्यादान, औषधदान, और ये ग्रामीण विकास का योजना है। 40 लाख मेंबर्स आर इन द रूरल डेवलपमेंट।
तो ये रूरल डेवलपमेंट में काम हो रहा है। ऑल इंडिया में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, तो ऑल इंडिया में ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चलाता है। तो ऐसा बहुत दान धर्म का काम होता है, उसके कहते हैं अभेदा, जो मांगे उसको देना है, उनको जितना चाहे उतना तो नहीं होगा, फिर भी हमारे हाथ से जो दे सकते हैं हम देंगे। तो इसलिए ये मंदिर बहुत विशेष रूप से माना जाता है इधर दक्षिण भारत में। हमारे भगवान के नाम और उनकी श्रद्धा की, श्रद्धालुओं की रक्षा करने का विशेष भगवान की शक्ति, ये सब बहुत विशेष रूप से माना जाता है। बस सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी 6:30 बजे का टाइम है, 7 बजे लंगर स्टार्ट होता है। कुछ देर अभी हम यहाँ पर घूमेंगे, मतलब इसी एरिया में, और फिर आपको कुछ देर में लंगर हॉल दिखाते हैं। अभी हम अन्न प्रसाद के लिए अन्नपूर्णा गए। मैंने जो चीज़ नोटिस करी आपको बताता हूँ, साफ़ सफाई और यहाँ के सिस्टम दोनों औसम है। मैनेजर से मैंने रिक्वेस्ट करी कि किचन हमें अंदर से दिखा दीजिए, तो मैंने आपसे अभी साफ सफाई का जिक्र किया, वही चीज़ हमने किचन के अंदर भी नोटिस करी। अन्न प्रसाद हमने ग्रहण किया। आज यहाँ पर भोजन में सांभर, रसम, एक बीन्स और कोकोनट की सब्ज़ी थी, साथ में चावल, पायसम हमने बहुत पसंद किया। इस समय 8:30 बज चुके हैं, हम बाहर आ चुके हैं, नज़दीक में गेस्ट हाउस है, गेस्ट हाउस पहुंच के आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं। टेंपल के पास ही नेत्रावती गेस्ट हाउस है, आज का नाइट स्टे हमारा यहीं पर है। कल का प्रोग्राम ये है कि सुबह सूर्य टेंपल वेनूर होते हुए हम मूड बिद्री जाएंगे और वहाँ से हम मैंगलोर को निकलेंगे। कल नाइट स्टे हम बैंगलोर में करेंगे। आज का एपिसोड बताइए आपको कैसा लगा। हमेशा की तरह मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगा। अभी के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर योर टाइम।